वेलकम टू माय चैनल पीआईएसएमएस। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि आप लोगों का यदि मांस फट गया है या फिर अंदरूनी किसी तरह की चोट आ गई है या गुम चोट आ गई है या आप लोगों को अंदर से दर्द फील होता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि हमारा मांस फट गया है, आप लोगों का मांस फट गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो और कुछ एक नए ट्रीटमेंट में और आप लोगों को बता देती हूँ जिससे आप लोगों की परेशानी खत्म हो जाती है, जिसमें से पहली चीज है जैतून का तेल। देखिए, जैतून का तेल और तिल का तेल दोनों लीजिए 50-50 ग्राम। कौन कौन सा? जैतून का और तिल का, दोनों तेल लीजिए 50-50 ग्राम, क्योंकि ये तेल गर्म रहते हैं, इनकी तासीर गर्म है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों तेलों को आपस में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद करीब करीब 50 ग्राम रतन जोत लेंगे। रतन जोत आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। पंसारी कौन सा? पंसारी जहां से आप अपने घर का सामान खरीदते हैं वहां से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 50 ग्राम रतन जोत लानी है और उसे उसका पाउडर बना लें आप, या आप ऐसे ही छोटे छोटे से टुकड़े कर लें उसके और उस रतन जोत को उस तेल में डाल करके उसे पका लें। कितना पकाना है? इतना पकाना है जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, जब आप रतन जोत उसमें डाल करके तेल को पकाएंगे तो तेल का कलर डार्क मेहरून कलर का हो जाएगा। जी बिल्कुल मेहरून। और फिर उसके बाद गैस को बंद कर दें और उस जो रतन जोत है उसको उसी में पड़ा रहने दें जब तक कि तेल ठंडा ना हो जाए। और उस तेल से जहां पर भी आपको लगी है वहां आप उस तेल से मसाज करें, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज आपको मैं बता देती हूँ कि जिस टाइम आपका मांस फटा है और आप लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उस टाइम सबसे पहले क्या करें, थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए और उसमें थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ी सी नहीं करीब करीब इतनी फिटकरी लीजिए और उसमें डाल दीजिए पीस कर। और फिर आप उस पानी से उस जगह की सिकाई कीजिए। कैसे सिकाई करें? किसी भी कपड़े को उस पानी में डुबो लीजिए, निचोड़ लीजिए और उस जगह पर रख दीजिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा आराम होगा। पहले आपने सिकाई कर ली, अब आपको क्या करना है कि तीन चीजें लेनी है। कौन कौन सी तीन चीजें लेनी है? एक तो फिटकरी लेनी है, उसे पीस लेना है, गुड़ लेना है और उसे अच्छे से छेद लेना है, यानी कि बिल्कुल उसे पतला कर लेना है। और आपको हड़ जुड़ लेनी है। कितनी लेनी है? आप ये पंसारी की दुकान से सारी चीजें 50-50 ग्राम ले आए और घर पर आकर जब आप बनाएंगे तो अपनी चोट के अकॉर्डिंग बना लें। देखिए, गुड़ तो आप अपनी चोट के अकॉर्डिंग लेंगे और फिटकरी आप 1 चम्मच लीजिए और हड़ जुड़ जो है वो आधा चम्मच लीजिए। इन दोनों का पाउडर बनाना है और उसमें इन दोनों को गुड़ में मिक्स करके और उस चोट पर लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो परेशानी है, और ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है, ठीक है? और ये जैसे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लगाएंगे तो उसके ऊपर पन्नी जरूर बांध लें, नहीं तो जो वो गुड़ है वो बहकर आ जाता है और आपका सारा हाथ चिपचिपा हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें। साथ ही अंदरूनी चोट को खत्म करने के लिए आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। आप सभी को पता है हल्दी वाले दूध में एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दोनों ही गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब और आपको क्या करना है, तीसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। तीसरे उपाय में आप लोगों को जो शहद होता है, ठीक है, 2 चम्मच शहद लीजिए और उसमें आधा चम्मच चूना मिलाइए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए और उसे अपने जो आपका आपकी गुम चोट है या आपका दर्द है या फटा हुआ मांस है, इस तरह की कोई भी परेशानी है, उस पर आप लगा करके और रुई लगा लीजिए और ऊपर से गर्म पट्टी बांध लीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और चौथी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बहुत ही देसी नुस्खा है। ये आप ने कभी सुना भी होगा कि
एक रोटी बनाते हैं और उस रोटी को एक तरफ से सेक लेते हैं, उस पर तेल लगा लेते हैं और तेल लगाने के बाद उस पर हल्दी छिड़क लेते हैं और उसमें पिसा हुआ गुड़ मिला सारी तरफ डाल देते हैं और उसमें फिटकरी डाल देते हैं और उस रोटी को उस जगह पर बांध लेते हैं किसी भी चीज से। अगर आपके पास गर्म पट्टी है तो गर्म पट्टी से बांध, तो इससे आपको बहुत ही जल्दी आराम होगा। हल्दी की जगह जो नॉर्मल हल्दी होती है उसकी जगह अगर आप अमिया हल्दी यूज करते हैं जो कि आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती है, तो ये वेल एंड गुड होगा। इस तरह से आप अपनी अंदरूनी चोट को ठीक कर सकते हैं कुछ ही समय में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।